हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के लिए एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको डेट्स प्रोवाइड की गई हैं एडमिट कार्ड के अंदर, वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी डेट्स हैं। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ बेसिकली जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट होना था, उसके लिए आपको जो डेट्स प्रोवाइड की गई थी वो 2nd ऑफ दिसंबर से लेकर 6th ऑफ दिसंबर तक। ओके, अब इसके अंदर हुआ क्या है, आपको यहाँ पे 6th ऑफ दिसंबर की डेट प्रोवाइड की गई है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके, और मैनेजमेंट के लिए क्या है, 4th ऑफ दिसंबर। ओके, तो देखिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बेसिकली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा क्यों है, देखिए जो भी 2nd, 3rd, 4th एंड 5th दिसंबर को एग्जाम होगा, उसके अंदर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे हम पेपर वन का क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पैटर्न था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका एनालिसिस हम आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि 6th और 4th दिसंबर को कैसा पेपर आने वाला है, पेपर वन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बिल्कुल एंड की डेट्स के अंदर रखा गया है। ओके, अब नाउ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपके पास 23 से 25 डेज बचे हैं, इसके अंदर आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप अपने खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, दूसरों की स्ट्रेटजी को मत फॉलो कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे बेसिकली हर एक पर्सन का अपना अलग लेवल होता है, उनके कुछ वीक सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्ट्रांग सब्जेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए किसी बंदे ने अपने अकाउंटिंग के लिए 7 डेज टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो 7 डेज के अंदर अपने अकाउंटिंग पोर्शन को कंप्लीट करेगा। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ओके, और मान लीजिए आपने आईपीसीसी क्लियर किया हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंटिंग पोर्शन स्ट्रांग है, आपको उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आप अकाउंटिंग को 1 से 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन वीक है, ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपको एचआर पोर्शन नहीं आता है, अगर मान लीजिए आपसे एचआर पोर्शन के अंदर ये पूछा गया कि टी ग्रुप ट्रेनिंग किसको कहा जाता है, ओके, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या कीजिए, एचआर पोर्शन को या जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए उसके अंदर आपने खुद की स्ट्रेटजी बनाइए 25 डेज के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगा के आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी जो भी आपने बनाई है 25 डेज के अंदर उसको चेंज नहीं करना है। ओके, आप अगर बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कवर कर लिया है और कौन सा सब्जेक्ट अभी कवर करना है। ओके, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के आप एक अपनी अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइए, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है और कौन सा आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, इसके बेसिस पे। ओके, नाउ अगर मान लीजिए आपने अपनी 25 डेज की अपने अच्छी से एक स्ट्रेटजी बना ली, ओके, और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रिपेयर तो कर लिया बट क्या आपको वो अच्छे से आता है, आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो सेकेंड स्ट्रेटजी आपकी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। नाउ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए एक बहुत अलग स्ट्रेटजी होती है, वो ये होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके अंदर जो भी 4 ऑप्शंस गिवन है, अभी तक जो एंटी एग्जाम करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, इन फ्यूचर 5 भी हो सकते हैं, हम उसके बारे में अभी नहीं कह सकते कुछ। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, आप उन 4 ऑप्शंस को डिटेल में पढ़िए। ओके, ऐसा करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, आप अगर 4 ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके 4 टॉपिक्स क्लियर हो गए। ओके, तो अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर आपको बस आता है। ओके, आप यहाँ पे बेसिकली एक एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज कर पाएं, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट के 4 ऑप्शन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। और देखिए, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप फुल फ्लेज मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पूरे 3 घंटे का अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरे 3 घंटे आप बैठ के एग्जाम दीजिए, पूरे उसी तरीके के एनवायरनमेंट में जैसे में आप एक्चुअल एग्जाम देते हैं। ओके, ऐसा ना हो कि आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे 3 घंटे कंसिस्टेंटली बैठना है और यहाँ पे पूरा कंप्लीट मॉक आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इन्फिनिटी पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने कॉमर्स के लिए 10 मॉक टेस्ट एंड मैनेजमेंट के लिए 10 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिए हैं। ओके, चलिए थर्ड टेक्निक कौन सी है, थर्ड टेक्निक का नाम है एक्टिव रीडिंग। अब ये एक्टिव रीडिंग टेक्निक क्या है, देखिए
मान लीजिए आपके माइंड के अंदर चल रहा है कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक ले लेते हैं, मान लीजिए आपके माइंड के अंदर चल रहा है डू पॉइंट एनालिसिस। तो ये डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? अब इसके अंदर तीन टेक्निक्स आती हैं। ओके, तो क्या आपको तीनों टेक्निक्स के बारे में पता है? अब मान लीजिए आपको कोई भी दो टेक्निक्स याद हैं बट तीसरी नहीं याद आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसी समय आप अपने नोट्स को खोलिए और चेक कीजिए कि थर्ड टेक्निक्स है कौन सी। ओके, तो ये बेसिकली करने से क्या होता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आप उसको ज़्यादा देर तक याद कर पाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपको एक टेक्निक यूज करनी है जिसका नाम है एक्टिव लर्निंग, तो आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ टेक्निक क्या है आपके पास? टाइम मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये तो कॉमन पॉइंट है, सबको ही कहता है कि आपको टाइम को मैनेज करके रखना है, बट देखिए यहाँ पे बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको एट द सेम टाइम ये नहीं करना है कि आप केवल पूरे दिन बुक्स के अंदर लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली अगर आप मान लीजिए केवल बुक्स के अंदर ही लगे होते हैं तो आपकी जो माइंड की रिटेंशन पावर होती है वो लिमिटेड होती है। आप मान लीजिए 4 घंटे तक कुछ भी पढ़ के रिटेन कर सकते हैं, तो आप मान लीजिए 6 घंटे पढ़ेंगे तो क्या जो आपने एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ाई की है क्या उसको आप रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेसिकली पढ़ना आपके लिए यूजलेस है। ओके, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बेसिकली टाइम को आप ऐसे मैनेज कीजिए कि यहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ आप अदर एक्टिविटीज को भी टाइम दीजिए। ओके, नाउ जो सबसे लास्ट टेक्निक और सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपने जो भी नोट्स को प्रिपेयर किया है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे आप उन नोट्स को ही रेफर कीजिए, कोई भी नए नोट्स मत फॉलो कीजिए। ओके, अगर आप नए नोट्स फॉलो करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप अपने नोट्स को रेफर कीजिए और यहाँ पे बेसिकली उसके अंदर आप मार्क करते जाइए कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। ओके, आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेन चीज़ें हाईलाइट कीजिए कि डू पॉइंट एनालिसिस के अंदर तीन टेक्निक्स हैं, आप तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट करके रख लीजिए और एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ 5 टेक्निक्स थी और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली कि आपको ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, एक ही स्ट्रेटजी बनानी है और उस पर कंसिस्टेंट रहना है। अब मान लीजिए उस स्ट्रेटजी को बनाने में आपको 3 से 4 घंटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप एक दिन उसको अच्छे से लगाइए और इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉर्मुलेट कीजिए। ओके, और यहाँ पे बेसिकली आपको उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करना है। ओके, और लास्ट क्या है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आपको केवल वही रेफर करने हैं, आपको ज़्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि वो क्या करते हैं, नोट्स कलेक्ट करते रहते हैं और यहाँ पे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी मटेरियल यूज किया है ओके, आप केवल उसी मटेरियल को रिवाइज कीजिए। ओके, आपको बार बार ज़्यादा मटेरियल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको 5 स्ट्रेटजी समझ आ गई होंगी, तो आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप UGC NET एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।